में तो बेड़ा कर किया उसने। तू सीटी 16 महीने बिल्कुल ही सत्यानाश मार देता, तू ही तो टूरन जोगा भी नहीं छड़िया गरीबानु, खा पी के तू पास जाने लंदन फिर मार आंदे होते। बीमार से नहीं आ रहे हो, बीमार पास जाने हो फिर वापस आ जाने हो, फिर खा पी के फिर पास जाने हो, कोई इंसानियत होनी है बंदे दी, ऐसा की बोलो। खान वास्ते आंदे हो पाकिस्तान सिर्फ, 4 साल मरा रहे उठ, हूं जिंदो होके वापस आ गया। हाँ 4 साल सा नहीं निकला होता, हूं वापस आ गया जी, मैं शेर हाँ। वोट पा रहे हो, असि पीटीआई नु पावांगे। क्या वजह, क्या पीटीआई को वोट डालने की कोई खास वजह? इमरान खान दलेर आदमी है, साफ सुथरा इंसान है, मैदान तो भजा नहीं है, वो गिदड़ नहीं है, असल शेर है। सारे पाकिस्तानियों ने वक्ता पाया होया, सारे पाकिस्तानियों ने वक्ता पाया उन्हें, जेड़ा बोलता जेड़ा बोलता उन्हें चुके अंदर छोड़ दो, ऐसी कहा इन्होंने। शरारते करो, यूं करो, लड़कियों के साथ घूमो है, तो यह की करता हूं मैं, मरियम नवाज नु छड़ के पर बुरी तरह भज जाता, इंसान वाली गल करता। अपनी धी नु छड़ दो ते आप भजो, पुत्र भी पुत्र कहना, पुत्र कहना पुत्र नु ओए खला के नवाज शरीफ पुत्र जाने दो भाई, सबको पता है मैं क्यों कहता हूं। नवाज शरीफ दे पुत्र कहंदे ना साडा पाकिस्तान नाल वास्ता ही नहीं है। नवाज शरीफ इनको लग रहा है ना चोर, वो बहुत प्यारे बंदे हैं, ये हमारे लाहौर को चमन पैरिस बनाने वाले वही हैं। अच्छा पैरिस बना दिया बकाए थल्ले। सर सर कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा, ये सड़कें देखिए टूटियां हुई हैं, सड़क पैरिस की कोई एक सड़क वहां दो जड़ी है। मेरी बात सुनो, ये आप बहस में पड़ गए, इन लोगों ने खुद तोड़ी है पानी गिरा गिरा के। बाकी बंदा नहीं है कोई, मैदान का जरा दलेर आदमी ना नवासी है, मैदान जो इंज भजदा है जिम्मे भजन का हक होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट में और आप देख रहे हैं नवाए इंसान, मैं हूं आपका मेज़बान मौज़म अब्बास शमसी। नाज़रीन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने और पंजाब हुकूमत ने ये इजाज़त दी है कि आप लोग सर्वे कर सकते हैं, सर्वे करने की इजाज़त मिल गई है तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम वेब चैनल्स को, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, हमने इरादा किया कि जा बजा जाकर लोगों से उनका ओपिनियन लें और लोगों से जाने कि वो इस वक्त इस क्रिटिकल सिचुएशन में, मुश्किल हालात में किनको वोट डालने के लिए, किनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि काफ़ी चर्चे में थी, उनको बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया, छीन लिया गया, या जो भी कहें बैट्समैन भी नहीं है, अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके जो कागजात नामजदगी है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अभी जानते हैं अवाम से कि अवाम किन को सपोर्ट करने के लिए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, या दीगर सियासी पार्टियां जो भी हैं, किसको अवाम, पाकिस्तानी अवाम किसको सपोर्ट कर रही है, अवाम से जानते हैं, चलते हैं अवाम की तरफ। यहाँ पे भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किनु पाना है? वोट किनु पाना है? पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या वजह है? बस उसमें जुनून है। जुनून है जी। तो आप पीटीआई से बल्ले का निशान तो ले चुके हैं, तो जो आजाद उम्मीदवार होगा पीटीआई का उसको पाएंगे वोट? जो भी आजाद, आपको पता कैसे चलेगा कि आजाद उम्मीदवार जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है? वो हमें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। नवाज शरीफ साहब आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? कुछ नहीं उनके बारे कह सकते। कोई कुछ नहीं पैगाम देना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर किसे वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब क्या वजह है? अच्छे इंसान है, महंगाई खत्म की है और भी बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हैं उसने, बहुत अच्छे काम किए जी सर। इमरान खान साहब जो है इस वक्त जेल में, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? तो वो जेल में रहे, थोड़ी देर आराम कर ले, जितनी देर तक उन्होंने हुकूमत की है 4 साल, जैसे वाम को जलील किया वो भी जलील हो जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसे डाल रहे हैं? पीटीआई को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? पीटीआई बैट को। बैट को, बैट का निशान तो उन्होंने ले लिया ना। तो ले लिया जाए, वोट तो उधर ही लाना ना, मोर तो वड्डी भी छोटी भी उधर। जब उधर वो नहीं होगा ना, बल्ले का निशान नहीं होगा, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि पाकिस्तान पता हाँ जी सर पक्की गल है। पक्की गल। नवाज शरीफ साहब देख रहे क्या पैगाम? नवाज शरीफ साहब देखी जाने, उन्होंने जो कोई साढ़े तो कोई टाइम औखा आता बाहर के मुल्क चले जाते, लंदन हो, एबटाबाद, सखर, विहाड़ी, इधर छोटी भी वड्डी भी पक्की बात है, फाइनल है। हां जी ओके हो, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर वोट किसे? वोट बल्ले को। बल्ले को क्या वजह? वजह ये कि वो एक लीडर है, ईमानदार है वो, तो बाकी जो है
बाकी सब चोर हैं। तहकीक लबैक जो इस्लाम के नाम पे दीन के नाम पे एक जमात बनाई गई है, ये सब कठपुतली हैं भाई सारे। साहब नवाज शरीफ साहब, नवाजी साहब तो बीमार होंगे भी चले जाएंगे एक बार। नहीं नहीं, तो वो आ गए आपकी खिदमत करने के लिए आए। अच्छा, चार साल कहाँ थे वो? चार साल हमारी खिदमत ही की उन्होंने। बीमार थे ना, तबीयत थोड़ी सी खराब। वो तो मैं पता, जितने बीमार थे वो सब तो पता है, सबको पता बीमार थे वो। पाकिस्तानी वो जो वजारते से है, वो हमारे मुल्क को बीमार करने आए हैं। अब मुल्क को बीमार है। देख रहे हैं आपको क्या पैगाम देंगे नवाज साहब को। हाँ। कि आप अपने मुल्क चले जाएं बस। अपना मुल्क तो उनको यही है ना, नेशनलिटी तो यहाँ की। उनका मुल्क जो है वो बाहर, उनके बेटे बाहर रहते हैं, वो भी बाहर चले जाएं। वो भी बाहर जाएं, बेटी तो उनकी यही है ना। बेटी भी जाएगी बाहर, बेटी भी बाहर जाएगी। पक्की बात, पक्की बात। बिलावल भुट्टो साहब NA-127 लाहौर सिलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? पैगाम देंगे भाई आप सिंध को सही करो जाके। सिर्फ ने उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है उनका काम। नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है सर। सर वोट किसे डाल रहे हम? तो नून लीग को डालेंगे सर। हेलो सर, ऐसा सुन लो, कोई गल नहीं, पांच जने मर्जी वोट पा। नून लीग को वोट डालने की कोई खास वजह? सर नवाज शरीफ जैसा बंदा ना आएगा ना आना है। वो कह रहे हैं चोर है नवाज शरीफ। वो नवाज शरीफ इनको लग रहा है ना चोर। वो बहुत प्यारे बंदे हैं, ये हमारे लाहौर को चमन पैरिस बनाने वाले वही हैं। अच्छा, पैरिस बना दिया है। बाकी थल्ले सर, सर कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा, ये सड़कें देखिए, टूटियां हुई सड़क, पैरिस की कोई एक सड़क वहा दो जड़ी। मेरी बात सुनो, आप बहस में बढ़ गए, इन लोगों ने खुद तोड़ी है पानी गिरा गिरा के। हाँ, वो आप जाके देखें सर, यादगार को देखें। बारिश जो होती है ना, हर मुल्क में होती है, हर कंट्री में होती है। दुबई की कोई एक सड़क नहीं है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर के अलावा इस तरह हो। सर मेरी बात सुने, नवाज शरीफ जैसा बंदा ना आना है ना आएगा, वो अल्लाह की रहमत से शेर और शेरी है। अगर बेईमान होता धोखेबाज तो बार बार आए ना वो लाहौर में, पाकिस्तान में ना। पीटीआई वाले हैं या बाकी जमातों वाले हैं, वो कहते हैं कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आती है नवाज शरीफ साहब भाग जाते। सर पीटीआई वालों ने क्या किया है? गरीब का तो खून उन्होंने चूसा। नहीं नहीं, उन्होंने सेहत कार्ड दिया है यार, यूनिवर्सिटी दी है। सेहत कार्ड लेके जाते हैं, चलता ही नहीं है वो जी। आप उनमें से निकल, अभी मेरी बेटी 8 दिन पहले जिना हॉस्पिटल में थी, जिना हॉस्पिटल में थी 8 दिन। सुन ले, जब ये 16 महीने वाली हुकूमत आई है ना पीडीएम की, तब उन्होंने बंद कर दिया। आप बात करने देंगे मुझे? आज से 8 दिन पहले मेरी बेटी जिना हॉस्पिटल में थी, उनके यहाँ से उन्होंने ऑपरेशन करके उनके फिफड़े में से पानी निकालना था, उनके प्रॉब्लम बन गई। मैं अपना सेहत कार्ड उनके पास लेके गया, 3 दिन में जलील होता रहा उनके पास। वो मुझे कहें आपको बंदों में से निकाल दिया गया, ये मैंने आज तक 10 रुपए नहीं सेहत कार्ड में से निकलवाए थे। उन्होंने मुझे बड़ा खजल किया, बड़ा जलील किया। आखिरकार वो मैंने सोचा 6-7 हज़ार फिर मुझे मजबूरी करवाना पड़ा। क्या नाम? मेरा नाम आजम साहब। जब ये हुकूमत आई है ना पीडीएम की, उन्होंने सेहत कार्ड और पीटीआई के जितने मंसूबे थे सब बंद कर दिए। सर पीटीआई है ये थे पाकिस्तानी अवाम के फायदे में। अब भाई भाई खड़े हैं छोटे बेटों की तरह। मैं इसके लिए जुमले गलत नहीं कहना चाहता, इमरान खान बहुत ही नकारा आदमी, मुझे पसंद नहीं है। पता क्यों नहीं है? लीडर अपनी एक हैसियत रखता है, उसकी एक अपनी होती है, और देखे दूसरी बात, इसके बाद जो मियां नवाज शरीफ के बाद जो मैडम थी ना मोहतरमा बेनजीर भट्टो, क्या बात, उनके अबू भी बहुत अच्छे थे, मोहतरमा भी बहुत अच्छी थी, और अल्लाह की रहमत से मियां नवाज शरीफ जैसा ना कोई बंदा है वो उसको बीमार था। कौन सी बीमारी थी उसको? वो बीमार था। क्या बीमारी? आप मुझे बताएं बीमारी का, उसको बीमारी का नाम। आप अपनी लड़ाई बना रहे मुफसे में, नहीं बना रहे आप मुझे ये बताएं कि क्या बीमार था वो? कौन बताए? मियां नवाज शरीफ साहब बीमार थे वो। क्या बीमार था ना वो? कौन सा टेस्ट करवाया बाहर जाके उन्होंने? केड़ा टेस्ट करवाया बाहर जाके? बीमार से ना तो जिन्होंने बाहर भेजा उन्होंने पूछो ना, तुम कह रहे हो काड़ी बीमारी है, जिन्होंने भेजा उन्होंने पूछो। 45 रुपए 50 रुपए किलो मियां नवाज शरीफ आटा छोड़ के गए, इसने 150 रुपए 155 रुपए किया। हर घर में आपके घर में लड़ाइयां नहीं चल रही हैं सर? बीवी कहती लेके आओ, तुम कहते मुझे 30,000 तनख्वाह मिलती है। 1100 तनख्वाह है आपकी, 30,000 तनख्वाह है। बीवी कह रही मुझे, एक बात कर रहा हूँ, उनकी रेट आटे का थोड़ा हुकूमत किने छड़ी है आप लोगों के पास? नहीं तो कितनी हुकूमत सी हूं 8 दिन रिजल्ट दे देगा, इस तो पहले कितनी हुकूमत सी 16 महीने कितनी हुकूमत रही है? 8 साल 3 साल में तो बेड़ा गर्क किया उसने। 16 महीने बिल्कुल ही सत्यानाश मार दिता, तू ही तो टूरन जोगा भी नहीं छड़िया गरीबा नु, खा पी के तू भज जाने लंदन
फिर मार आंदे उथे बीमार से नहीं आ रहे हो बीमार भज जांदे हो फिर वापस आ जांदे हो फिर खा पी के फिर भज जांदे हो कोई इंसानियत होंदी है बंदे दी ऐसा की बोलो खान वास्ते आंदे हो पाकिस्तान सिरो चार साल मरा रहे उथे हुन जिंदो होके वापस आ गया हां चार साल सा नहीं निकला उदा हुन वापस आ गया जी मैं शेर हां गाली ना दे तो क्या करे गाली ना दे तो उसको क्या करे सारे पाकिस्तानियों ने वक्ता पाया होया सारे पाकिस्तानियों ने वक्ता पाया उन्हें जेड़ा बोलता जेड़ा बोलता उन्हें चुक के अंदर सुट दो ऐसी कहा इन्होंने शरारते करो यूं यूं करो लड़कियों के साथ घूमो है तो ये की करता हूं मैं मरियम नवाज नू छड़ के आप बुरदर पास जांदा इंसान वाली गल करता इंसानियत है इखलाक की है अपनी धी नू छड़ दो आप भज जाओ पुत्र भी पुत्र कहना पुत्र कहने पुत्र जाने दो भाई सबको पता है मैं क्यों कहते नवाज शरीफ के पुत्र कहते ना साडा पाकिस्तान नाल वास्ता ही नहीं है तुसी किनु वोट पा रहे हो असि पीटीआई नु पावांगे क्या वजह क्या पीटीआई को वोट डालने की कोई खास वजह इमरान खान दलेर आदमी है साफ सुथरा इंसान है मैदान तो भजा नहीं है वो गिद्दड़ नहीं है असल शेर है ये भाई अभी खड़े हैं वो कह रहे हैं कि नून लीग वाले जितने भी हैं या बाकी जितनी भी पार्टीज वाले हैं पीडीएम की जितनी भी हुकूमत वो कहते हैं इमरान खान ने क्या किया मुल्क के लिए इमरान खान ने पहले तय हुकूमत होने तो बगैर तीन अस्पताल बनाए ने नवाज शरीफ ने केड़ा अस्पताल बनाया मैं बात करता हूँ मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब तीन मरतबा वजीर आजम बने जी ऐसे ही है बिल्कुल मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ मैं हम न्यूट्रल हैं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब तीन मरतबा वजीर आजम बने और तीन मरतबा वजीर आजम बनने के बावजूद एक ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जिसमें वो अपना इलाज कर सके आवाम का इलाज खेद सवाल आप भाई जान ने सवाल किया है ना कि जी उन्होंने तीन हॉस्पिटल बनाए सबसे पहले शौकत खानम से उनके जो उनकी बुनियाद है ना शक वहाँ पे इस बात को हम आपस में नाराजगी से अलहदा बात करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं अपने वालिद साहब को उनके पास लेके गया मुझे कहने लगे कि 4 लाख रुपए लगेंगे अगर आप गरीब यतीमों के फंड में आएंगे तो 4 लाख रुपए वैसे लेने तो 14 लाख रुपए मैंने कहा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं माड़ा बंदा हूँ गरीब आदमी हूँ मैं 4 लाख भी मुश्किल से नहीं कर सकता तो मेरे बेड को वापस बाहर निकाल दिया इमरान खान से आपकी डायरेक्ट बात हुई थी ये सवाल का जवाब नहीं मैंने आप मेरी बात सुने मैंने कलमा भर के एक मिनट मैंने कलमा भर के बात की बड़े बात सुने सी सी हेपेटाइटिस सी हर चीज का पता लगाते हैं कि कौन होगा बात कौन करने का ये सर आप आपको मैंने ये कहा कि हम ये सियासत से हटके बात करेंगे और अल्लाह के मैंने कलमा पढ़ा उन्होंने हमें भी फाइनल सर फाइनल हमारा मकसद लड़ाई करवाना नहीं है हम भाई हैं हमने आपस में इकट्ठे रहना है हमने मिलते रहना है यहाँ पे ये सियासतदान ऊपर वाली चीज है इन्होंने आपस में जो भी करना है ठीक है इमरान खान जो है ये एक जो साइंसदान है ना इस वक्त मौजूदा जिंदा है वो अभी रैन जोबर्ट इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड में उसने कहा कि इमरान खान खुद बंदा ठीक था वो कह रहा है मैं नहीं कह रहा उसके नीचे की काबीना खराब थी ठीक है जिसकी वजह से वो इस वक्त जेल में मौजूद है उसके साथ बंदे नहीं ठीक थे सर नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं आपको क्या पैगाम देंगे जाते जाते मैं था कहना वापस आना ही नहीं सी सत्यानाश मारन वास्ते तो पाकिस्तान वापस आया ये भाई से भाई नौजवान जी बोले क्या मैं कह रहा हूँ यार मैं तो ये पैगाम देना चाहूंगा कि दिलेरी से इलेक्शन तो लड़ लो कभी कागज छीन रहे हो कभी बंदे उठा रहे हो एंड पे आपने वो बैट भी ले लिया वो उन्होंने इसकी क्या हुआ था गाली नहीं देनी नहीं यार बैट से तकलीफ क्या थी वो एक पार्टी का इंतहाबी निशान है उस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका यानी राइट है तकलीफ मैं बताऊं क्या जी जी क्या तकलीफ थी हुण मैं तानू बल्ला मारा चस आएगी नहीं आएगी हां जी यह तो गल है यानी कि वाम ने बल्ला मारना सी उन्होंने वाम ने बल्ला मारना सी पैगाम देना चाहता मियां नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया जा रहा है मियां साहब देखो असि ताडी खातिर लोगों ना लड़ रहे हैं बोल रहे हैं और ए लोग सानू ताडे वास्ते बुरा कह रहे हैं और असि तानू मियां साहब ये आजम साहब आपके लिए लड़ रहे हैं खुदा के लिए 4-5 बिरयानी के पैकेट भेज दे इनके लिए और इनका कोई सोचे खुदा ना कोई सोचे नाजीन आपने भाइयों की आवाम की राय जानी फैसला आपका फैसला पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानियों का देखते रहे नवा इंसान अल्लाह निगेबान।
फैसल भागा ना मुल्क से, जब लड़ाई नहीं, आप क्यों क्या रहा है आपको? 8 साल तक वो भागा रहा, वो उसको बीमार था, कौन सी बीमारी थी उसको?